गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी खुशबू खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो वेलकम और वेलकम बैक। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और ज्वाइन हो जाए मेरे फैमिली में। अच्छा, तो आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ बाय यूजिंग दिस पॉन्ड्स का व्हाइट ब्यूटी बीबी क्रीम। ये क्रीम सभी जगह अवेलेबल इजिली होता है मुझे लगता है, क्योंकि ये हर शॉप्स में अवेलेबल होता है और आप इजिली से परचेज कर सकते हो और ना ये अफोर्डेबल भी है। तो हम में से सारे लोगों को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, मुझे भी काफी अच्छा लगता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो कि आप इजिली बाय कर सके और जो ना हमारे पॉकेट में एक बड़ा सा होल क्रिएट ना करे। तो ये है जो मेकअप लुक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और हाँ, आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और मैंने ना इसमें बहुत सारी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बताए हैं और अगर मुझे इनका लिंक्स मुझे मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी। तो हाँ, आप एक काम करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक कॉटन ले रही हूँ, इससे अपनी पूरी फेस वाइप कर लूंगी ताकि मेरे फेस के ऊपर कोई भी डर्ट और डस्ट ना हो। उसके बाद मैं यूज करूंगी रोज वाटर। आप चाहे तो कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो है एक बेहद खूबसूरत रोज वाटर है जो कि होलिस्टिक तत्व से है और मैं इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये मेरे फेस में अच्छी तरह से स्वीप हो जाए। तो अब मैं यूज करूंगी मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ VLCC का लवंग मॉइस्चराइजर जो कि काफी अच्छा होता है अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है। तो मैं नेक्स्ट यूज करूंगी यहाँ पे लिप बाम जो है ब्लू हेवन से। आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हो। अब बारी आता है हमारा फेवरेट बीबी क्रीम जो है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। मैं इसे डॉटेड मोशन में अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके और मैं यहाँ पे एक ब्रश का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना हैंड्स भी यूज कर सकते हैं या तो फिर ब्यूटी स्पंज, क्योंकि ना मुझे ब्रश से यूज करने की आदत है तो मैं ब्रश से इवनली स्प्रेड कर लूंगी अपने स्किन के ऊपर। और नेक एरिया का भी आपको बिल्कुल ख्याल रखना है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे लैक्मी का रोज़ पाउडर जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। और जी हाँ, क्योंकि मैं अफोर्डेबल की बात कर रही हूँ तो पूरा मेकअप ट्यूटोरियल अफोर्डेबल बेस्ड प्रोडक्ट ही होगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी आइकॉनिक का काजल और इसे मैं अपने पूरे आईलिड पर टाइट लाइन कर लूँगी। और हाँ, बिल्कुल टाइट लाइन करने के बाद जो है आपको इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। आप देखिए मेरे एक आइज़ को, तो हाँ इससे ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखता है। अब चलिए बारी आती है हमारी आईब्रोज की। तो मैं यहाँ पे एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ जो कि वेगा कंपनी से है और मैं ना अपने जो काजल मैंने जिसे लगाया था वो लैक्मी आइकॉनिक का ही सेम में लेके उसी में से मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल के अपने आईब्रोज पे भी बना लूँगी और अपने आईब्रोज को जो है अच्छी तरह शेप कर दूँगी। क्योंकि मैं ज़्यादातर आईब्रो पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर इसी से अप्लाई करती हूँ। और अगर आप लोग भी इसी कोई भी इसी तरह अप्लाई करते हैं ना तो नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ADS प्रो का ये लिप लाइनर और मैं इसी से अपना लिप बेस भी लगा लूँगी और लिपस्टिक भी लगा लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसलिए तो आपको इसके लिए अलग से लिपस्टिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात आती है ब्लश की, तो हम ज़्यादातर ना अपने लिपस्टिक को ही अपने ब्लश की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे सेम प्रोसीजर कर रही हूँ। मैं भी सेम लिप लाइनर लेके अपने दोनों चीक्स पे जो है अप्लाई करके मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कबुकी ब्रश। तो आप कोई भी ब्रश या अपने हैंड से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी आई शेडो। यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइट पिंक यूज़ करने वाली हूँ और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा और मैं इसे पूरी तरह अपने आई लैशेज पे लगा लूँगी और इससे ना आपके आई लैशेज बिल्कुल नए लगते हैं। तो फाइनली ये था मेरा मेकअप लुक यूजिंग द पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी बीबी क्रीम। आई होप आपको ये लुक बिल्कुल पसंद आया होगा और ये काफी नेचुरल लग रहा है, आप इसे इजीली डे पे कैरी कर सकते हो। वीडियो आई होप आप लोगों को तो जरूर पसंद आया ही होगा, है ना, बिकॉज ये अफोर्डेबल भी है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी मैंने काफी यूज किए हैं इस वीडियो के दौरान। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, है ना। तो अगर पसंद आया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस ना कर सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।